हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइनाइट डेरिवेटिव। कोई भी फाइनाइट डेरिवेटिव है उसके एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो उसको हम एक थ्योरम की हेल्प से पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है? इफ़ अ फंक्शन एफ इज डिफ्रेंशिएबल एट सी, सी कोई पॉइंट है जहाँ पे, देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट सी बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई हमारे पास, जो कंटिन्यूटी है फंक्शन की वो नेसेसरी कंडीशन है, यानी कोई फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो हम उसकी डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा चेक कर सकते हैं। यानी कॉन्टिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन को डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस ही नहीं मिलता है, अगर हम किसी फंक्शन को देखते हैं और वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएबल भी नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो इस थ्योरम को प्रूफ देखते हैं। लेट अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन द इंटरवल ए बी, यानी कि एक फंक्शन लिया है एफ एक्स जो कि एक ए बी इंटरवल में डिफाइन है, एंड इट इज डिफ्रेंशिएबल एट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। अब हमने सपोज किया है कि ये जो फंक्शन है एफ, ये एक पॉइंट सी पे जो कि ए बी पे में एग्जिस्ट कर रहा है उस पर डिफ्रेंशिएबल है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफ्रेंशिएबल है तो अब हम शो करेंगे कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस भी होगा, यानी कि डिफ्रेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होना नेसेसरी है उसका। तो अब हम ये शो करेंगे, देन एफ डैश सी, यानी कि डिफ्रेंशिएबल को पहले भी पुरानी वीडियो में हमने लिखा था, और इसकी किस तरह शो करते हैं, एफ डैश सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज अ फाइनाइट वैल्यू। जो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ डैश सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी, एक्स माइनस सी जो होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। नाउ एफ एक्स माइनस एफ सी, चूँकि एफ एक्स माइनस एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी, नीचे हमने डिवाइड किया एक्स माइनस सी से, साथ ही मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस सी से, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि एक्स नॉट एक्स इक्वल टू अगर सी होगा तो ये इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई बाई लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिमिट जो है एफ, यहाँ पे एफ सी के टेंस नियर बाई पहुँचेगा तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू है, हमने लिया एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो एक्सटेंस टू सी पे ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी जिसको हमने एफ डैश सी से शो किया है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, सॉरी लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ डैश सी इंटू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास जीरो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, जो कि एफ एक्स के बराबर, यानी कि जो सी पॉइंट पे हमारे पास एफ एक्स जो है वो एफ सी के बराबर है एट सी पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे शो हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एक्स टेंड्स टू सी कर रहा था, तो सी की तरफ टेंड्स करने पे वो वैल्यू एफ सी पर ही आ जाती है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसको कॉन्टिन्यू शो कर दिया। अब हम शो करेंगे कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और वो अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसका डिफ्रेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। अब हम ये शो करेंगे कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो उसका डिफ्रेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। कन्वर्स क्या है हमारे पास, थ्योरम का जो कन्वर्स था वो है कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। यानी जो थ्योरम थी हमारे पास इफ अ फंक्शन एफ इज डिफ्रेंशिएबल एट सी देन द कॉन्टिन्यूस एट सी, यानी कि अगर कोई फंक्शन है और डिफ्रेंशिएबल है सी पर तो कॉन्टिन्यूस होगा। और इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी पर तो वो डिफ्रेंशिएबल होगा। अगर हम ये सोचेंगे ये ट्रू नहीं है, यानी कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी पर तो उसका डिफ्रेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है।